मेरे देशवासियों, हमने हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमें हमारे देश में बदलाव लाना है, हमने हमारे देश में नई ऊंचाइयों को पार करना है और मिलजुल करके करना है। सरकार और जनता ने मिलकर के करना है, 130 करोड़ देशवासियों ने करना है। देश का प्रधानमंत्री भी आप ही की तरह इस देश का एक बालक है, इस देश का एक नागरिक है। हम सब ने मिलकर के करना चाहे। आने वाले दिनों में गांव में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर करने होंगे, हेल्थ सेंटर बनाने होंगे, हर 3 लोकसभा के बीच एक मेडिकल कॉलेज हमारे नौजवानों को डॉक्टर बनने के सपने पूरा कराने हैं, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए घर बनाने हैं, हमने 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है, 1.25 लाख किलोमीटर गांवों की सड़कें बनानी है, हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है, 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप का जाल बिछाना है, अनेक सपनों को लेकर के आगे बढ़ना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें देशवासियों ने मिलकर के सपनों को लेकर के देश को आगे बढ़ने के लिए चलना है, और आजादी के 75 साल इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जानता हूं लाल किले की प्राचीर पर समय की भी एक सीमा है, 130 करोड़ देशवासी उनके सपने भी हैं, 130 करोड़ देशवासियों की अपनी चुनौतियां भी है, हर सपने को हर चुनौती का अपना महत्व भी है, कोई अधिक महत्वपूर्ण है कोई कम महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। लेकिन बारिश की मौसम है, लंबा बोलते बोलते भी पूरा होने की संभावना नहीं है, और इसलिए हर इश्यू का अपना महत्व होने के बावजूद जितनी चीजें आज कह पाया हूं, जो नहीं कह पाया हूं वो भी महत्वपूर्ण है, उन बातों को लेकर के हम आगे बढ़े। देश को हमें आगे बढ़ाना है, आजादी के 75 साल, गांधी के 150 और भारत के संविधान के 70 साल हो रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने, और ये वर्ष महत्व है, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी है। आइए बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु नानक देव जी की शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़े और एक उत्तम समाज का निर्माण, उत्तम देश का निर्माण, विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण हमें करना है।